Dear learners, myself Dr. Rajesh Matpal from Department of Physics, Uttarakhand Open University. Today we are going to discuss the first topic of heat and thermodynamics. First of all, we will discuss about thermodynamics, then about thermal equilibrium, then about the concept of zeroth law of thermodynamics, and then the concept of temperature. The first topic is, or the book name is, thermodynamics. So first of all, we will discuss the topic thermodynamics. What does it mean, thermodynamics? Thermodynamics is made up of two words. One is thermal and the second one is dynamics. So we will write thermo plus we will write dynamics. Thermo means it is a concept of thermal, that is heat. Thermal, that is heat. And dynamics means, dynamic meaning is motion. So thermodynamic is when heat is in flow or in motion, that is thermodynamics. Suppose we have a system, like we have suppose we have fire here and we have a rod, and if we give heat to one end, then you will see the second end will be warmer after some time. It means that the heat has flown from the hot end to cold end. So this is the flow of heat, that is hot to cold end. The flow of heat is called thermodynamics. So this kind of flow we will study here. Basically, the thermal means heat, and heat is a type of energy. So here we are seeing the heat energy is flowing from one part to another. And जैसा कि आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, घर में आपने अपने खाना बनाने में देखा होगा, किचन वगैरह में, तो एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं. जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं गैस में. अगर आप इस तरीके से गैस में आप पानी गर्म कर रहे हैं, ये बर्तन में आपने पानी रखा हुआ है, तो पहले हीट का फ्लो इस यूटेंसिल, जो बर्तन आपने लिया हुआ उसको गर्म करेगा, फिर इस वाटर को या जो ये मीडियम है उस तक हीट को ट्रांसफर करता है. तो इस कॉन्सेप्ट को कि क्या इसके अंदर मैकेनिक्स लग रही है, किस तरीके से इसमें हीट की सप्लाई हो रही है और कितना हीट का अमाउंट फ्लो होगा, ये सब हमें थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, हम एक फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, वो होता है dQ is equal to mc dT. तो जो C है हमारा, C को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट. ये स्पेसिफिक हीट बताती है किसी मीडियम की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक हीट से. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में दो बर्तन हैं, उनमें हमने वाटर रखा, ठीक है, दोनों में हमने सपोज सेम अमाउंट ऑफ वाटर को रख दिया है, दैट इज सपोज 1 और 10 ग्राम. फॉर एग्जाम्पल, हमने 10 ग्राम इनमें वाटर रख दिया. ये दोनों बर्तन हमने अलग अलग रखे हुए हैं, तो मास हमने सेम ले लिया है. अब इन दोनों का टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ही इंक्रीज करना चाहते हैं, तो दोनों को हीट की जो रिक्वायरमेंट होगी इसमें वाटर को गर्म करने के लिए, और अगर आप डेफिनेशन वाइज जाएंगे तो आप उसको सीधे 1 ग्राम भी बोल सकते हैं. अगर आप इसके डेफिनेशन वाइज जाते हैं, तो डेफिनेशन वाइज जाते हैं तो आप इसको, इसमें हम लोग 1 ग्राम की बात करते हैं, ठीक है. सपोज ये 1 ग्राम वाटर है, तो 1 ग्राम आपको लगता है कि थोड़ा सा कम हो गया, तो मैं इसलिए 10 ग्राम बोल रहा था. 1 ग्राम वाटर है, दोनों को हीट सप्लाई आपने की, तो आप इसमें सपोज यहां पे आपको कम गैस देनी पड़ रही है और यहां पे गैस ज्यादा देर तक जलानी पड़ रही है, तो दोनों जो ये आपने बर्तन लिए हुए हैं, ये जिसमें आप ये गर्म कर रहे हैं, इसका मींस होता है दोनों की स्पेसिफिक हीट आपकी अलग अलग होगी. तो ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है स्पेसिफिक हीट. सो वी डिस्कस स्पेसिफिक हीट, लाइक सी इज इक्वल टू dQ/mdT. डेफिनेशन, इफ m इज इक्वल टू 1, dT is equal to 1 degree centigrade, then C is equal to dQ. So we define here specific heat, the amount of heat required to raise the temperature of unit mass by 1 degree centigrade is called specific heat. तो जैसे हमने यहाँ पे motion की बात की, यहाँ भी हम heat के flow की बात कर रहे हैं. Heat को हमें यहाँ से यहाँ flow करवाना है, तो किन किन property या किन किन parameters पे depend करता है
उन सबकी स्टडी हमें इस बुक के अंदर करनी होती है, जिसमें से एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये समझा दिया है, जिसमें से कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ये दैट इज स्पेसिफिक हीट, ये मटेरियल की स्पेसिफिक हीट की बात करती है। तो इसमें हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्मल इक्विलिब्रियम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल इंक्लूड बोथ दीज टॉपिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सपोज वी हैव टू सिस्टम्स ए एंड बी, ए एंड हेयर वी हैव बी एंड हेयर वी हैव सी। सो इफ वी हैव टू सिस्टम्स ए एंड बी एंड द अनदर वन इज सी, ए एंड बी आर सेपरेटेड बाई दिस इज इंसुलेटिंग वॉल, इंसुलेटिंग वॉल। इंसुलेटिंग वॉल इज वन विच डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ हीट, मीन्स हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, नाइदर फ्रॉम ए टू बी नॉर फ्रॉम बी टू ए। इंसुलेटिंग वॉल में आपका हीट का फ्लो नहीं होता है, ना कि ए से बी में जाएगी, ना ही बी से ए में उसका फ्लो होना है। सी जो है दैट इज अ डाइथर्मिक, ये जो सी है यहां पर हमने जो बाउंड्री लगाई है, दिस बाउंड्री इज अ डाइथर्मिक वॉल, डाइथर्मिक वॉल। तो ये जो हमने डाइथर्मिक वॉल की बात की है, इसमें हीट का फ्लो आपका ए से सी में भी हो सकता है और बी से सी में भी हो सकता है। हीट जिस सेक्शन में ज्यादा होगी उससे हीट लो सेक्शन की तरफ को फ्लो हो जाएगी, लाइक वाटर इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पार्ट, सिमिलरली हीट फ्लोस फ्रॉम हायर टू लोअर पार्ट, मीन्स हीट कैन फ्लो फ्रॉम ए टू सी और सी टू ए। According to zeroth law of thermodynamics, if we have three systems A, B and C, A and B are separated by insulating wall and C is separated by dithermic wall, then after some time A and C will be in thermal equilibrium and B and C will be in thermal equilibrium. A and C will be in thermal equilibrium and B and C will also be in thermal equilibrium. Means, देखिए हीट अगर ए के पास ज्यादा है तो हीट का फ्लो ए से सी में होगा, बी में ज्यादा होगी तो बी से सी में होगा। कब तक होगा? जब तक इनका हीट का अमाउंट इक्वल ना हो जाए, उसे बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। देन ए एंड सी, सपोज आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि अगर आपने कंटेनर में पानी लिया हुआ है, किसी में ज्यादा पानी है किसी में कम है, तो वॉटर का फ्लो हाई से लो में होगा, तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का बराबर नहीं हो जाता। वैसे ही अगर ए में हीट ज्यादा है तो ए से सी में जाएगी, अगर सी में ज्यादा है तो सी से ए में जाएगी, और इस ए और सी के बीच में फ्लो होगा और बी और सी में होगा। ए और सी का फ्लो कब तक होगा? जब तक ए और सी दोनों की हीट का अमाउंट इक्वल नहीं हो जाता है, सिमिलरली बी और सी में भी तब तक होना चाहिए। मीन्स ए एंड सी एंड बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। देन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट A and B will also be in thermal equilibrium. तो zeroth law कहता है कि अगर ये दोनों thermal equilibrium में हैं, तो A और B भी आपस में thermal equilibrium में होंगे, क्योंकि आप देखिए insulating wall है, तो हम ये कह रहे हैं कि A से B या B से A में direct heat का transfer नहीं होगा, लेकिन C के through ये आपस में भी thermal equilibrium में आ जाएंगे। This is zeroth law of thermodynamics. और थर्मल इक्विलिब्रियम में हमने डिस्कस किया, थर्मल इक्विलिब्रियम में हमने क्या बोला कि आपका तब तक हीट का फ्लो होगा जब तक उनका ए से सी में और बी से सी में फ्लो होगा, जब तक हीट इनका हीट कंटेंट इनका बराबर ना हो जाए। अब कॉन्सेप्ट, एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर रह गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट।
आप सोचेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर है। टेम्परेचर आज हम सब लोग समझते हैं, लेकिन टेम्परेचर को डिफाइन करना है। तो हमने बोला कि ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में ऐसी कौन सी क्वांटिटी है? तो हम यहाँ पे कहते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जो टेम्परेचर होता है, अगर दो बॉडीज या दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के दौरान उनका जो एक क्वांटिटी है वो सेम रहती है, एंड दैट क्वांटिटी इज नोन एज टेम्परेचर। तो जो क्वांटिटी इक्वल रहेगी उस क्वांटिटी को हम यहाँ पे टेम्परेचर कह देते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ फ्लो ऑफ हीट और मोशन ऑफ हीट। थर्मो मीन्स थर्मल, दैट इज हीट, एंड मोशन मीन्स डायनेमिक मीन्स मोशन। देन वी डिस्कस अबाउट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, हाउएवर ए और बी इंसुलेटिंग वॉल से सेपरेट है, बट ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, तो हमने कहा थर्मल इक्विलिब्रियम में एक क्वांटिटी इनके बीच में सेम होती है या इक्वल होती है, देन दैट क्वांटिटी इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। सो थैंक यू अबाउट टुडेज लेक्चर।